नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आपको लेकर चल रहे हैं हरियाणा के एक जिले में, जहाँ एक नवजात शिशु का शव मिला है। ये पूरी घटना क्या है, बच्चे का शव कहाँ मिला, किस परिस्थिति में मिला है, किस एज में मिला है, और क्या पुलिस ने इसमें कोई एक्शन लिया है, इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है रोहतक मीडिया के साथी। जी हाँ, रोहतक वही जगह है जहां पर बच्चे का शव मिला है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रोहतक मीडिया के साथी हर्षवर्धन शर्मा जी। नमस्कार हर्ष जी, आपका स्वागत है पालोना नमस्कार के इस मंच पर। नमस्कार मोनिका जी, थैंक यू। हर्ष जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो बच्चे का शव मिला है, क्या ये एक बच्ची का शव है या लड़के का शव है? देखिए मोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है लड़के का शव है, और जो है पूरा का पूरा बच्चा है, ये 9 माह का बच्चा है, और इस मामले में जो है पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर दिया। जी मोनिका, जी, किन सेक्शंस में दर्ज किया है पुलिस ने मुकदमा इसमें? देखिए मोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 318 में जो है पुलिस ने इसमें FIR लॉन्च की है, और सब्जी मंडी थाना पुलिस ने, और इसके अंदर जो है जिस तरीके से जो बच्चा है, अगर कोई माँ उसको छोड़ करके जाती है और वो मृत अवस्था में पाया जाता है, कल को अगर वो जी लेडी कहीं पुलिस कार्रवाई में मिल जाती है तो 318 के तहत उसको अदालत की तरफ से 2 साल की सजा भी सुनाई जा सकती है। जी जी और ये जो शिशु है, ये मिला कहाँ है एग्जैक्टली? देखिए मोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक सफाई कर्मचारी है जिसका नाम जसवंत है, वो सुबह जो है पाड़ा मोहल्ला जो रोहतक है उसके पास नाले की सफाई करने के लिए लगभग 9 बजे के करीब पहुंचा। जैसे ही उन्होंने सफाई के लिए वहां नाले के पास पहुंचे तो उन्हें एक बच्चे का जो है शव मिला, और देखने पर पता लगा कि ये लड़का है, उसकी और नाल भी उसके साथ में ही लगी हुई थी। तो ऐसे में उसने जो है पुलिस को सूचना दी, और पुलिस ने मौके पर पहुंच करके जो है शव को कब्जे में लिया, और उसके बाद 318 की कार्रवाई करते हुए आज जो है बच्चे का पोस्टमार्टम भी कराया गया है, ताकि किसी तरीके से पता लग सके कि ये आखिर बच्चा किसका है। फिलहाल जो पुलिस जो है आसपास के जितने अस्पताल हैं या प्राइवेट सेंटर हैं उनके ऊपर छापामारी कर रही है, ताकि किसी तरीके से बच्चे का रिपोर्ट मिल सके आखिर। जी हर्षवर्धन जी, इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगी, और संभव हो तो ये इंफॉर्मेशन आप वहाँ जो भी पुलिस थाना है उनसे जरूर शेयर करें। वो ये है कि क्योंकि बच्चे की नाभि, गर्भनाल जिसको कि वहाँ हरियाणा में औरनाल कहते हैं, वो लगी हुई थी, तो ये तय है कि बच्चे का जन्म किसी भी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में नहीं हुआ होगा। ये इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी नहीं है, बच्चे का जन्म या तो घर में हुआ है या हॉस्पिटल के बाहर कहीं पर भी हुआ है। क्योंकि अगर हॉस्पिटल में होता तो उसकी नाभि काट दी जाती और वहां पर एक क्लिप लगा होता, भले ही बच्चे की डेथ जन्म के समय हो जाती, तब भी वो क्लिप जरूर लगा होता उसमें। तो ये इंफॉर्मेशन आप जरूर उनसे शेयर करें। और दूसरी बात कि जैसे नाले में ये बच्चे का शव मिला है, तो क्या ऐसी कोई गुंजाइश बनती है कि बच्चा कहीं दूसरी जगह से बहता हुआ वहां पर आया हो, वहां या आसपास के इलाके से वहां डाला गया, कुछ इस तरह का पता चल पा रहा है? नहीं मोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो है वो नाला रुका हुआ था और उसकी सफाई के लिए सफाई कर्मचारियों को भेजा गया था, तो ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि वहीं पे उसी स्थान के ऊपर जो है इस बच्चे को डाला गया था। ये आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि जिस तरीके से जो उसकी गर्भनाल लगी हुई है, अगर किसी अस्पताल में या किसी सेंटर पे होता, प्राइवेट अस्पताल सेंटर पे होता, तो उसके ऊपर क्लिप जी लगा दी जाती, तो ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि ये घर के अंदर ही पैदा हुआ है या घर के बाहर किसी दाई ने इसको पैदा कराया है। तो ऐसे में पुलिस जो है हर एंगल से इसकी जांच कर रही है, और पुलिस का ये कहना है कि जल्दी उस महिला को गिरफ्तार भी कर दिया जाएगा, और उसके बाद ये वजह पूछी जाएगी कि आखिर उसने बच्चे को जो है नाले में क्यों फेंका। क्योंकि आमतौर पर जो है महिलाएं जो है बच्चियों को जो है वो छोड़ करके चली जाती है, क्योंकि लड़की को जो है आज की डेट में भी अभिशाप माना जाता है, लेकिन ये जो बच्चा है ये नर लड़का है, और इसको छोड़ना तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपनी उसकी पैदाइश को छुपाने के लिए उस महिला ने इस तरीके का जो है कर्मकांड किया है। जी मोनिका, और एक वजह ये भी हो सकती है शायद कि बच्चा स्टिल बॉर्न हो, मतलब जन्म के समय बच्चे की डेथ हो गई हो, तो बजाय, लेकिन तब भी उसका अंतिम संस्कार करने की बजाय इस तरह से नाले में डालना, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था। और ये घटना है कल सुबह की, यानी कि ये 31 जनवरी। देखिए मोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा 31 जनवरी को जब सफाई कर्मचारी पहुंचे तो मे भी पॉसिबल हो सकता है कि रात को इस बच्चे को फेंका गया हो,
क्योंकि सफाई सफाई कर्मचारियों ने सुबह ही नाले की सफाई करने के लिए वहां पहुंचे थे, तभी जसवंत नाम के जो सफाई कर्मचारी, जो निगम का कर्मचारी है, उसने इस बच्चे को देखा और वहां उसने अपने साथियों को बताया। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, उसके बाद पुलिस ने जो है शव को कब्जे में लेकर के पीजीआई में भिजवाया। हालांकि जिस वक्त वहां पहुंचा था उससे पहले ही बच्चा मर चुका था, लेकिन फिलहाल अभी पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। आखिर ये पता लगाना है पुलिस को कि वो महिला कौन थी, किस वजह से उसने इस बच्चे को इस तरीके से त्याग दिया। तो ये सभी बातें जो है अभी जांच का विषय है। जी मोनिका, एक जानकारी हमें और चाहिए थी हर्षवर्धन जी इसमें आपसे, कि बच्चे का जो शव है क्या किसी चीज में लिपटा हुआ था, मतलब कोई झोला या पॉलिथीन या कोई कपड़ा किसी चीज में लिपटा हुआ था, या बिना किसी चीज के बस शव ऐसे ही नाले में तैर रहा था? देखिए मोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस वक्त शव की बरामदगी हुई है उस वक्त बच्चे के शरीर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था और उसकी गर्भनाल भी जो है साफ साफ दिखाई दे रही थी। तो ऐसे में जो है सफाई कर्मचारी थोड़ा सा भौचक्का हो गया और उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। और जब पुलिस भी मौके पर पहुंची तो आसपास भी देखा गया कि बच्चे के आसपास कोई कपड़ा भी नहीं था। हालांकि जिस तरीके से सफाई कर्मचारी ने अपना ही जो गमछा है वो जमीन पर बिछाया और उसके बाद उस बच्चे को उसके ऊपर लिटाया, उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। जी क्या वो इलाका बहुत डेजर्टेड है, लोगों का आना जाना कम होता है उस इलाके में जहां ये बच्चे का शव मिला है? देखिए, नाले के आसपास जो है काफी गहमा गहमी रहती है, लेकिन जो ये घटना को अंजाम दिया गया है वो देर रात को ही दिया गया होगा, क्योंकि अल सुबह जो है जिस जगह की ये वाक्य है वहां पर जो है मंदिर भी है, वहां लोग आते जाते भी हैं, और जो वो रोड है वो काफी सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ही वो चालू हो जाता है, देर रात तक वो चालू रहता है। तो ऐसे में मध्य रात्रि को ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। जी मोनिका, तब तो गुंजाइश यही बनती है जब सुबह ही शुरू हो जाता है तो इसका मतलब है कि आधी रात के बाद उस बच्चे को लाकर वहां पर डाला गया है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी हमारी हर्षवर्धन जी की, जब भी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है इसमें क्या अपडेट होता है उसके बारे में भी आप जरूर हमें बताएं कि रीजन ऑफ डेथ बच्चे का क्या निकल के आया, क्योंकि उसी से ही पता चल पाएगा कि बच्चे की हत्या हुई है या मृत्यु के बाद बच्चे को उस नाले में डाला गया है। खैर, परिस्थिति जो भी रही हो, इस तरह से नाले में डालना ये तो बहुत ही क्या कहें कि मानवता पर एक प्रश्न चिन्ह तो लगा ही देती है इस तरह की घटनाएं। आपसे आगे भी सहयोग की उम्मीद है। पालोना एकमात्र एक अभियान है जो देश भर में नवजात शिशुओं के साथ हो रही इस क्रूरता पर काम कर रहा है, और हम ये आपसे आग्रह करेंगे कि इस तरह की कोई भी घटना अगर आपकी जानकारी में आती है तो आप प्लीज पालोना को भी इसके बारे में अवश्य जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन जी, नमस्कार। अभी आपने सुना हर्षवर्धन जी ने बताया कि बच्चे का शव कहाँ और किस हालत में मिला है। ये बहुत तकलीफ होती है ये देख कर कि नवजात बच्चों को कूड़े के जैसे लोग ट्रीट कर रहे हैं, वो चाहे उनके अपने माता पिता हैं या कोई और है, जो भी कर रहा है वो बहुत ही गलत कर रहा है। हर्षवर्धन जी ने इस बातचीत के बाद हमसे बच्चे की जो तस्वीर है वो भी शेयर की, जो उस नाले से उसका शव निकाला गया है उसकी तस्वीर, और उसमें यहाँ तो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि कुछ यूट्यूब की गाइडलाइंस है, कम्युनिटी गाइडलाइंस ऐसी है जिसकी वजह से हम बच्चे की वो तस्वीर यहाँ शो नहीं कर सकते हैं। आप चाहें तो वो पालोना के वेबसाइट पर जाकर उसको देख सकते हैं। बच्चे के सिर के और चेहरे के हिस्से में वो पूरा जो है वो लाल हो गया है, और कहीं कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि उसको काफी चोट लगी है, उसको मारा गया है या कोई भी उस तरह का उसके साथ क्रूरता बरती गई है। एक्चुअल क्या हुआ है ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि बच्चे की डेथ का कारण क्या रहा, लेकिन हमें ऐसी आशंका है कि शायद ये मामला स्टिलबॉर्न बेबी का नहीं है बल्कि इन्फेंटिसाइड का है, बच्चे की हत्या का है। वजह चाहे जो भी हो, कारण कोई भी रहा हो, लेकिन बच्चे की हत्या को भी तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता है, और ना ही मृत्यु के बाद उसके शव को नाले में डालने को सही ठहराया जा सकता है। दोनों ही मामलों में ये बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही गंभीर बात है कि बच्चे को या उसके शव को नाले में डाल दिया जाए या उसकी हत्या कर दी जाए। रास्ते खुले हुए हैं, सेफ सरेंडर किया जा सकता है, CWC को कांटेक्ट किया जा सकता है इसके लिए, ऐसा ना करके किसी बच्चे को मार देना, क्योंकि वो अपना दर्द बता नहीं सकता है, वो अपने
मौत की गवाही नहीं दे सकता, अपनी हत्या की गवाही नहीं दे सकता और ना ही आपका हाथ पकड़ सकता है मरने से पहले, तो उसके साथ कुछ भी कर दिया जाए ये बिल्कुल भी सही नहीं है और इसका बहुत सख्त शब्दों में हम विरोध करते हैं। पालोना हमेशा से इस क्रूरता के खिलाफ है और हमेशा रहेगा जब तक ये इस पर सरकार एक सख्त कानून नहीं बना देती है, जब तक सरकार इस पर कोई कड़ा कदम नहीं उठाती है शिशु हत्या की इन घटनाओं को रोकने के लिए, तब तक हम अपनी आवाज इसी तरह से उठाते रहेंगे। कोई सुने नहीं सुने, कोई इस पर साथ दे नहीं दे, हम अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे और आपसे भी हम ये अपील करते रहेंगे कि आप प्लीज सेफ सरेंडर के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवगत कराएं, उनको जागरूक करें, उनको बताएं कि अगर वो अपने बच्चे को पालने में सक्षम नहीं है तो वो CWC को कांटेक्ट करें, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क कर अपने शिशु को उनको सुरक्षित सौंप दे। अगर उन्हें नहीं मालूम है कि उनके यहाँ CWC कौन है तो वो चाइल्डलाइन को 1098 पर संपर्क करके अपने जिले की CWC से के बारे में पता कर सकते हैं। यदि वो उनसे भी बात नहीं करना चाहते हैं तो वो पालोना से संपर्क कर सकते हैं 9798454321 पर, पालोना से संपर्क करके वो अपने जिले की CWC से बात कर सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं या हमें बता सकते हैं कि आप अपने बच्चे को सेफली सरेंडर करना चाहते हैं, हम आपको आपके जिले के CWC से कनेक्ट करवा देंगे। निश्चिंत रहिए, सेफ सरेंडर की जो पूरी प्रक्रिया है ये गोपनीय रहती है, आपकी आइडेंटिटी कहीं भी डिस्क्लोज नहीं होती है, इसलिए बच्चे को अगर आपने जन्म दे दिया है तो प्लीज उसके लिए जीवन और चुनिए, उसकी हत्या मत कीजिए, अपने आप को कानून की नजर में दोषी मत बनाइए। इसी अपील के साथ मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, नमस्कार।